सागर जिले में बरमकेला अंचल के गांव देवगांव के पहाड़ में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में पिछले एक महीने से मानस पाठ का आयोजन किया जा रहा है। मानस पाठ में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए हैं। इस पवित्र स्थल पर देवभूमि की धरा पर मानस पाठ में गांव के ही मानस मर्मज्ञ अशोक पंडा मानस पाठ कर हवन पूजन सम्पन्न करा रहे हैं। तो लक्ष्मी महाराज जी हैं, वही मन ही पहले मानस यज्ञ के जल शुरू करें और पहले ये शिव मंदिर में एक एक मास पुराण के पाठ करे बर सब जिला प्रेरित करें और वहीं से ही हमार मानस यज्ञ के मन में विचार प्रस्फुटित हुई और हमन मानस यज्ञ ला जानत भी नहीं रहन और हमार आचार्य के द्वारा बताए मुताबिक हमन मानस यज्ञ का आयोजन करें और हमार गांव के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े व्यक्ति मन के सहयोग, आसपास के आदमी मन के सहयोग और सबके श्रद्धा ला लेकर के ये यज्ञ के शुरू हुई और धीरे धीरे करके एक दो साल के अंतराल करके आज यह पांचवा बार है कि हमन देवगांव के मन श्री रामचरित मानस ला आधार करके, गोस्वामी जी के दिव्य पंक्ति मन ला आधार करके, रामचरित मानस के बाल कांड ले लेकर उत्तर कांड तक जो प्रतिदिन नवान्न पारायण के विश्राम व्यवस्था करेगी से ओकर आधार पर प्रतिदिन जोन दिन जतकी विश्राम रथे उत्की धूर तक हमन प्रत्येक चौपाई में दो बार अर्थात प्रत्येक अर्धाली में एक बार और चौपाई में दो बार के आहुति होते, दोहा में, सोरठा में, छंद में भी आहुति देथन और अत्यंत श्रद्धापूर्वक हमर गांव के मन एवं आसपास के क्षेत्र वाला मन भी इमें यजमान बन के सहयोग करते हैं और प्रभु श्री राम के चरण में अपन भक्ति श्रद्धा ला समर्पित करते हैं। देवभूमि देवगांव का एक पुरातात्विक ऐतिहासिक स्थल जहां पर आप देख सकते हैं जीर्ण शीर्ण अवस्था में छठवीं सातवीं शताब्दी की मूर्तियां पड़ी हुई है। एक ऐतिहासिक खुदाई में मिला था। इस देवभूमि देवगांव में कई तरह की भजन कीर्तन का आयोजन होता है जहां पर आप देख सकते हैं कि मानस पाठ का आयोजन लगातार 9 दिनों से चल रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर स्थल को पुरातत्व विभाग से सजाने एवं संवारने की जरूरत है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट।